एमडी यूनिवर्सलम स्टूडियो प्रेजेंट। देखिए बाबूजी, हमारे अकबरपुर जिसे अम्बेडकर नगर कहा थे, 22 किलोमीटर दूरी पर जलालपुर बाजार, ये बाजार की कहानी बा। एक जने देवी दीन यादव थे, बड़ा संपन्न आदमी रहे, धन दौलत काफी था, लेकिन एक चीज बिना परेशान थे मास्टर। काहे बदे? एक संतान बिना। अरे शैतान नहीं भाई साहब, संतान जे का बिटिया बेटवा कहा थे, कहना बा। खेती बारी काफी बाटे ना केहू करैया हो, ओ आगे पीछे क्यों ना बा, अर पानी के देवैया हो, आगे पीछे क्यों ना, पानी के देवैया हो, आगे पीछे क्यों ना, पानी के देवैया हो, आगे पीछे, अरे पानी के देवैया, पानी के देवैया हो, आगे पीछे क्यों ना, पानी के देवैया हो, आगे पीछे क्यों ना, पानी के देवैया हो, आगे पीछे क्यों ना। अरे रहले दुइये प्राणी भैया, मान ला कहना, काफी दिन बीता न भय पैदा एक लगानवा। अरे विधि के विधान बाबू क्यों नहीं मिटैया हो, आगे पीछे क्यों ना, पानी के देवैया हो, आगे पीछे क्यों ना, पानी के देवैया हो, आगे पीछे क्यों ना। देखे बाबूजी, रात में अदवाई जी सपना देखते हैं, सपना देखते हैं कि माँ दुर्गा हमारे गोदिया में एक लाल दे दिए। सवेरा भाई जब आँख खुला तो अपनी पिया के बलाय के कहे लगे, पिया इसे इसे सपना देखे। पतिवन के कहा थे, जब सपना देखे हो तो सपना सहकार हम करके दुनो प्राणी राय बनवे मंदिरिया। अरे करी है ख्याल कहियो दुर्गा महतरिया, अरे कर गुण गा, कर गुण गान माई काटे दुख दैया हो, आगे पीछे क्यों ना, पानी के देवैया हो, आगे पीछे क्यों ना, पानी के देवैया हो, आगे पीछे क्यों ना, पानी के देवैया हो, आगे पीछे क्यों ना ही बा। बाबूजी मंदिर का बनवा करके यादव जी दोनों प्राणी माई के पूजन करे शुरू कर दिए। माता जी के पूजा करत करत देखा का हो तो मास्टर, भोजपुरी आल्हा में दिएगा। अरे दुइये प्राणी यादव रहले आपयो जननवा, अरे दुखवा मेरा है अपन जीवन बिताए, दुखवा मेरा है अपन जीवन बिताए, कुछ दिन बाद पैदा भइले एकला लनावा, कुछ दिन बाद पैदा भइले एकला लनावा, कुछ दिन बाद पैदा भइले एकला लनावा, रूपवा बनावै बिधना ढार के लीला, रूपवा बनावै बिधना ढार के लीला, रूपवा बनावै बिधना ढार के लीला। बाबा लगे माटे कुछ दिन के बाद यदुवाइन के गोद में एक लाल पैदा भय। जब लाल पैदा भय तो दोनों प्राणी का चिंतना दूर हो गया। उस समय पंडित जी का बलवाए के बचवा के नामकरण जब करवाए, तो पंडित महाराज अपने पत्रा से देख के वो बचवा के नाम रख दिए दुर्गा प्रसाद। वाह भैया, दुर्गा प्रसाद के नाम को बच्चा देखे बाबू जी, जैसे चांद बाढ़ थे परत प्रतिदिन, उसी प्रकार से कहना बा। धीरे धीरे बढ़े लागे आदो के लालाना, धीरे धीरे बढ़े लागे आदो के लालाना, धीरे धीरे बढ़े लागे आदो के लालाना, गाँव कई बती
धीरे बचवा जब 7 साल के बाद तो यादव जी सोचे थे बचवा का नाम लिखाई दी स्कूल में पढ़े लिखे होशियार हो जाए। देखे बाबू जी वो बचवा स्कूल जाए लग सुबह स्कूल जाए शाम के लौटे एक देर रात में घटना घटत बा। कैसे? अब घटत केकरे ऊपर बाबू? केकरे ऊपर भैया? लड़का के महतारी के ऊपर। एक दिन रतिया में बड़ी परेशानी, एक दिन रतिया में बड़ी परेशानी, अपने बलमुआ से बोले गुलना, अपने बलमुआ से बोले गुलना, हो अपने बलमुआ से बोले गुलना। बाबा लड़का के महतारी के कलेजा में दर्द हो लाग, अपने पिया के बलाई के बैठा खाते पिया हमारे कलेजा में दर्द हो दो मालूम दे दे जेरा बे निकल जाए। वाह भैया। लेकिन पिया एक बात सुना, अगर हमका कुछ हो जाए एक बतिया ध्यान से सुना, गेना की एक फूल फूलान बा। कहना बा बाबू जी। कैसे बा? अपने पिया से बोले थे विदेशिया में बा, बाबा अपने बलमुआ से बोलली गुजरिया हो, मान लिया बतिया हमार हो सजनावा, कि मरल पे हमारे न लैहा सबतिया हो, मारी जई है बचवा के जान हो सजनावा। यही अपने पति के समझा दब पिया अगर पाई चांस हमारे मौत हो जाए तो हमारे मरे के बाद में दूसर मत लैया, अगर लैबा ती बचवा हमारे बड़ी सांसद होए। माया मोह अजब बाटे बतिया भुलाई जईबा, भूल जईबा बचवा के प्यार हो सजनावा। ए बाबू इतने पर हुआ क्या घटना घटित बा मास्टर? कैसे भैया? 7 बरस के भैले यादों के ललनवा हो, पर भैले स्वर्गवासी माई तजल जहना, बाबा इतने कहा लड़का के महतारी के दम टूट गए। यादव जी रोए लगे मासूम बच्चा रोए लगा हमार प्यार दुनिया से छूट गए। यही नाते बाबू जी जौन ममता जौन प्यार माँ दे सकत बचपन का वो बाप बिड़रे देते। हाँ भैया जरूर। अगर बचवा रोत बत बाप एक आखर दू आखर कहते हनौनी ढकर दे चुप साले, लेकिन महतारी के ममता इस रोत बचवा के गोदिया में उठाए के चुप कराए लेते। एक महीना दुई महीना तीन महीना 6 महीना तक यादव जी अपने बचवा के लेकर के मुसीबत झेले। वाह भैया। 6 महीना तक जब बीत गया तो गाँव के लोग नात बात हित मृत सोचे थे कि इनका कारोबार लंबा रहा, औरत इनके खत्म हो गई, इनका बड़ी मुसीबत बा खाई पिए से। तो देखा समझावे लागे उत्तर देवरिया भाग में आई गए। कैसे आई गए? गौवा के लोग वह कहे लागे सब हे तू यादो माना कहानवा, गौवा के लोग वह कहे लागे सब हे तू यादो माना कहानवा, खेती बाड़ी काफी बतोहरे लड़का भाई बहिना दानवा, खेती बाड़ी काफी बतोहरे लड़का भाई बहिना दानवा, खेती बाड़ी काफी बतोहरे लड़का भाई बहिना दानवा, खेती बाड़ी काफी बतोहरे लड़का भाई बहिना दानवा।
बिहारी तू दूसर लावा जाना नामा सरी गई ले भैया वे दूसर लाए जाना ना भैया। आखिरकार जो नाय करे रहा नाद बात के समझाए से गांव वाले के समझाए से उनके दिमाग में बात बैठ गई। बेही के बतिया भूल गए कि मरत जोवा में हमारे बेही का कह के गई। आखिर काल में दूसर में हरारू ले आए। कुछ दिनों के बाद में आदो लाए सुंदर नार। अरे ढंग से रहन लगी महलों में हरे करती कारोबार हो गदेला कैसे मारे पपिया। एक दिन नार पिया से सेज पे अपने बोला गदेला कैसे मारे पपिया। दूसरे औरत लेके आए बाबूजी। एक महीना दो महीना छः महीना तक बड़े ढंग से रही। छः महीना के बाद सोचे लागी दिमाग में उनके घुसे ला कि एक लड़का इनके भी यही के बा आधे हकदारी अकेले बा और भगवान अगर दो चाटी हमका दे दें तो हमारे चारों आधे में बीते हैं। आज उनसे फैसला कई ले ना रहे वही सोचते हैं सपना देखत हमें पानी में गोड़ ना पड़ा। हाँ वही बूढ़ी उतराई ना खाई पी के जब सोवे गई तो देखा कहना मास्टर कैसे बा एक दिन गुजरिया से जरिया पे बोला ले दली सुना पिया हमारी बतिया मान ला आधा हिस्सा बेही वाला ले बटवाए आधा हिस्सा बेही वाला ले बटवाए हो आधा हिस्सा बेही वाला ले बटवाए। ए भैया कटोरी में तेल लेके मसलत मसलत सर पे मीजत मीजत जब कान पकड़ के ऐठे पाई कहीं पिया सुना तू हमके ब्याह के अकेला है ना भगाए के ना ला है। एक लड़का तुम्हारे बेही के बा आधे हकदार वो अकेले बा और भगवान अगर हमका दू चाटे दे दें तो आधे हमार कुल बीते हैं। यादव जी कहें तुम्हार मतलब कहें मतलब ये बात तुम्हारे घर में रहा कब जब भाई लड़का के मार नहीं जा। अरे बाप रे बाप यादव जी खटिया पर से कूद की जमीन खराब है कहीं हमारे बस के बात नहीं कहीं जब तुम्हारे बस के बात ना तो हम तुम्हारे घर से जाते हैं। बनाई छोड़ के गठर बगले दाबी चल दी। अरे पोटेरी बना के बगलियाँ दाबी। हाँ तब झोरा ना जब सोच यादव जी सोचा था कुल गहनवे लेके जाती है अपने मन में सोचे यादव जी चली जाए वापस लौट के नहीं आए ना तो हम ठका ठका ही रह जाए। फिर बहनी ना हो आगे पहुंच के कहें सुना कौनो उपाय बतावा यही सांप मर जाए लाठी ना टूटे तब ताई बाबू जी गट्ठर धई दी। बतिया जमाना ना होए परेशानिया भैया हमार कौन करी है
जतनिया भैया हमार भैया हमार सुना यही जनवा का जे है मरवा है सुना यही जनवा का जे है मरवा है ओ सुना यही जनवा का जे है मरवा है बाप रे बाप कहती है सौतेली मेहतारू मेहरारू कि हमार भाई कतली है डाकू ओका बला ले बचवा के झट से काट के फेंक दो तुरंत काम फाइनल देखे बाबू जी सौतेली के मोह माया में परकी भी यही आगे बात का भूल के अब करत काया है खोप न खाया दिल में अपने झट साला को लिया बुलाए जलसा पहाड़ी छुपा के रखा दिन बीता सा अगस्त महीना रहे सनई बोवर है सनई काटे के बहाना से सरपते के जुट्टा में गलासा धई के अब गए बताए कि आए कब चार बजे लड़कवा जब पढ़े आए तो खेते में पठे दू एक आध रसरी लिए आए और कुछ उठाए आए साला बहनोई बाबू जी यहाँ बैठाए हैं वह लड़का चार बजे जब घर से चला तो मारी भूख सुकरे रहे सन रहे सौतेली महतारी संयोग से वह दिन अपने माई की यादगारी में बाबू जी बचवा खाए के नहीं गए अपने माई के सोते कि माई होती थी उनके पेट में भोजन देती जब देखत ब दुआरी आएगा तो सौतेली महतारी बड़ी खुश नजर बैठी रहे लड़िकवा सोचत बे कि पहले बे कमोए के कहीं के खाए के ना दे तो महतारिया से बोले से पहले लड़िकवा बोल पड़ा कि माई भूख लागबा दो रोटी खाए दे दू जौन कहबू तो हम करब सौतेली माँ बचवा के बलाए के गोदिया में बैठा के कहे बेटा ये खाना तुम्हारे लिए बा दूसरे के लिए ना बा लेकिन एक ठीक छोट के काम बा बेटवा का कहा थे कहो अरे महतरिया होना महतरिया होना अरे बोली बचवा से मैं महतरिया होना बोली बचवा से मैं महतरिया होना महतरिया होना सुनने वाले मित्र जेका दगा कर रहा था वो दिन मित्र से बड़े प्यार से मिले थे अरे भाई कहते ही रहा कि कतने उतैली खत्म हो कि मोर मोर भाईवा तुहरी बिना चैन ना आए पड़त लेकिन जब डाणी पे चढ़ाई पाई जाए तो भाईवा के चैन मिटाई देत बोली बचवा से मैं भाई अरे बेटवा सुन ले तो हमारी जी करिया होना सुन ले तो बाबा सौतेली महतारी मुँह चुम के कहा बेटवा ठीक छोट के काम बा यह कह के आवा बेटा खाना खा खाना खा लड़कवा सोचे तब लाभ पहले कमोए देखी कहीं माई कौन काम बा बतावत यहाँ कैसे बाबू कहीं न लाल यही है तो अरे तबले हम चली के काटब सनैया होना हम चली के काटब सनैया होना सनैया होना अरे सनैया होना तबले तेली महतारी बोले तब तुहार बाबू भी नहीं से सनई काटते हैं एक लोटा पानी दिया बेटवा आए के खाना लड़का सोचते थे जब बाबू पियासा है जैसे सारा दिन बीत गए उसे आधा घंटा कहे माई पानी दे दा मीठा दे दा एठी छोड़ कर असरी दे दा जौन हो सके तो हम बांधे आए यह आए यतना सुनत लाल गईले अरे खेतवा होना महतारी के बात सुन के क्यों बचवा अपने बाबू का गोहराव चला के बाबू बाबू पानी पी ला बाबू पानी पी ला जब बाबू निकल थे तो पीछे मामू निकल है लड़कवा सोचा था कि मामू आए लेकिन अम्मा बताई नहीं सोचा था कि जब तक बाबू पानी पिए तब तक मामा ताई दूसर लाई के आ जा और हर साल आप बहनोई जब बचवा के पास पहुँचे तो मारे पानी हाथ से गिर गिर इतना सुनत लाल गईले
अरे खेतवा हो ना तबले धरे दोस्त लालन के हथवा हो ना तबले धरे दोस्त लालन के हथवा हो पानी हाथ से गिर गए बाबू जी। जब पानी हाथ से गिर गए तो बचवा का पकड़ के पटक के वही रसरिया से ओके हाथ गोल बांध ले। बपुआ बोले थे बाकी अभी 7 साल के बका करके मूला काटी दोनों जन सिनेमा पे बैठ ली। हां खुदा अब खत्म हो जाए। बाबू जी एक मासूम बच्चे के सीने पे बैठ के साला भनोई जब दबाने लगे तो बचवा अपने बाप से रोए के का कहा बा का कहा भैया कहना बा मास्टर अरे काहे कसी के बांधेला बधनवा हमारे बाबूजी काहे कसी के बांधेला अरे बधनवा हमारे बाबूजी छोड़ी दे दयाल मर पर नवा 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 हमारे बाबूजी कबहू घरे रुकी न बाबू पढ़ने नीति जाइला जौन काम पर घर में अरे आधे पेट काटी हम दिन हमारे बाबू जी और सुख से कबहू ना मिला भोजन हमारे बाबू से कबहू ना मिला भोजन साथियों जब तक वो बच्चा पीरा बर्दाश्त के पैस की हिस्से जब ओकरे मुँह की खून आने लगा आखिरी शब्द अपने बाप से रोए के का कहत बा कहना बा कैली कौन गलती बाबू बांधेला रसरिया सिनेमा पर से उतरा बाबू करकत बाप जारिया अरे रोवै लड़का थर्राला गगनवा हमारे बाबूजी कैसे मरब गोड़िया के सुगनवा हमारे बाबूजी कैसे मरब गोड़िया के सुगनवा हमारे बाबूजी कहा बट टपट पर बोलत बा बाई चांस अगर क्यों आई जाए तो मामला सब गड़बड़ हो जाए। झटसाला से बोला तुम गणसाला वो जाई चला है साला गणसाले ने अरे भगवान की प्रभु ताई राम गदेला कैसे मारे पपिया जैसे हाथ बढ़ाया डसाना गियल बेला गदेला कैसे मारे पपिया जैसे हाथ बढ़ाया डसाना गियल बेला गदेला कैसे मारे प्रेमी श्रोता बंधु तथा नौजवान माताओं बहनों गौर करने की बात बा यार साला बहनोई जब बचवा के सीना पे सवार भे तो माँ दुर्गा सोचते हैं कि हमारे दिया प्रसाद बा एके मारब तो हम ही मारब दूसरे के मारी यार शर्म प्रूफ बनाए के गणासा पर बैठी बेटा यही तो वही बा साला मन के पहुँचे थे सोचे लाउ लप से गणासा ले तब ताई धरे न गप से तो लंबा लंबा लेट गए लेखपाल की नौकरी लेखपाल नौकरी ना आ पाए मर के शैतान भे यार लेखपाल कहाँ बनिए वहाँ शैतान है ये और यार बाप सीने पर सवार बा बगल लखा करत बा कि सरवा गए गणासा ने भी तकले लौटा नहीं देर हो तब तो कहना बा मास्टर कैसे अरे तड़फे लगैया बाबू को
सैया के हथवा और तड़फैल से फसल बाबू तोहार नगरी छोड़ के भाग जा, तोहे मुंह दिखावे ना आए। जब से माई मरी तब से पेट भोजन ना पाए, जब से माई आए लेकिन तोहे वरहन कहियो बाप नीरा दैया के डर दियो नहीं आवे। बाप नीरा दैया के डर अच्छा खोल के बाबूजी वो बचवा के मुंह में इतना भर देत भाई कि बचवा के बोलती बंद भाई। सोचत है बोला करे तब भाई जाए तो बजी जा टुपुर टुपुर यहां सुकरी आंखी से गिरत बा। सोचत मास्टर कहना बा सांस ले रहा ससियो बंद हो गए यार बपुआ। सोचत बा कि वही के आशा लेके ना आवत बा। सोचई नीरा दैया गण साल लेके नहीं आया। सोचई नीरा दैया गण साल लेके नहीं आया। सोचई नीरा दैया गण साल लेके नहीं आया। तबाई अपने मानावा में कैले बा विचार हे। तबाई अपने मानावा में कैले बा विचार हो। तबाई अपने मानावा में कैले बा विचार। बाप सोचत बगे गणासा लेके सारा आए ना अगर ये का मारन तो कौन जवाब दे भेब नानी से। नानी से ना मेहरारू लागे यार सिल्की नानी होती भैया आधा नानी लागे थी ना। ये नाते कि तब के माई जब गुस्सात रही है तो बेटवा के ऊपर गुस्साई जाए कि जात हा बहरे लेकिन अपने नानी का समझाई के जाया। ये बदे आधा नानी लागे दिल कहना वा चला नीरा दैया उ गेला सवै कयाना। चला नीरा दैया उ गेला सवै कयाने। चला नीरा दैया उ गेला सवै कयाने। आधी घंटा रती आया देरी रही छाए हो। आधी घंटा रती आया देरी रही छाए हो। आधी घंटा रती आया देरी रही छाए। खाई ऊपर सारा पद में धरल बागेड़ खाई ऊपर सर पद में धरल बगेड़ सवा। खाई ऊपर सर पद में धरल बगेड़ सवा। जहाँ पर कलावा रहिला मेल राय हो। जहाँ पर कलावा रहिला मेल राय हो। जहाँ पर कलावा रहिला मेल राय। ए हे हथावा बढ़ावै जब ले का गेड़ा सवा। हथावा बढ़ावै जब ले बाटी लई के सपावा मावूती गईले आए हो। गिरली लहसिया जमीनी एक ऊपरा। गिरली लहसिया जमीनी एक ऊपरा। गिरली लहसिया जमीनी एक ऊपरा। हे भैया करनी के फल दे ले पाए। हे भैया करनी के फल दे ले पाए। हे भैया करनी के फल दे ले पाए। वाह भगवान वाह मामो चला गई
बाबू गहन कहे सारा हमारी हिस्सा ले के सोवत है, एकाना ध्यान दिन आखी पे पर्दा पर गई, सारा हमारे सोवत है हिस्सा लेके सोचिन लाव गणासा गप से ली। अरे जब पपवा खोपड़िया बनाते तो हाँ, तो लंबा लंबा तर ऊपर हो गए यार। बाबू जी वो मासूम बचवा खेत में बाधा तड़फला दे। देखिए माँ दुर्गा की शक्ति वार माई की परा सके ते जान लाल के हाँफ रहा है भाई। एक आदमी दिशा करण को अरे वही राह से जाई हो। केला कैसे मारे पपिया हकीकत हाल देख लड़के के बंधन को लागा। केला कैसे मारे पपिया हाल देख लड़के के बंधन को लागा। बाबा वो आदमी लोटा के पानी लेके रोज दिशा करी दूसरी ओर जाता, लेकिन माँ दुर्गा के शक्ति से लोटा के पानी लिए वहीं पहुँचे थे जहाँ मासूम बचवा बाधा। तो दुर्गा माई भेजी ना ए भैया लिहे लोटा के पानी, सोचे थे बाकी यहाँ बैठी वहाँ बैठी, तब ताई पीछे से कहर के आवाज आए तो घूम के देखत है कि मासूम बच्चा तड़फला बा। लोटा के पानी रख के ओके हाथ गोड़ खोले कर मुँह से कपड़ा निकाले, बचवा उठ के बैठा जरूर लेकिन मुँह की खून आई गई। उस झटका में उस समय बचवा कहे जी बाबूजी अब तो मर चुके हैं हमके मारी डारा। आदमी बोलत भैया हम तुम्हार बाबू ना हुई हमके पहचाना हम के हुई। लड़का बोलत बा किसी बाबू 24 घंटा बीत हमारे मुँह में अन्न जल कुछ पराना हमके जल पानी पियाए जा। वही लोटा का पानी उठाए के बचवा के जब पियाए तो उसके कलेजा पे बाबू जी धक्का लगा, वो बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने के बाद जो आदमी खुद पछताए लाग कि भगवान ही पता नहीं जिंदा रहते मर जात, लेकिन एक मौत हमारे हाथ है। तब ताई आकाशवाणी आवाज उसके कान में आवाज टकराज बा के मुसाफिर वो बचवा के मुँह धो करके जरा फिर से पानी पिला दे। इतनी अवजिया जब गूंजत बा तो बचवा के मुँह धोई के बाबू जी फिर से पानी पियाई उठ के बैठ गया। लड़का बोलत बा अब हमसे पूछा तो हम बताई तो कहना बा मास्टर कैसे बा लाया कौन बुलाए तुम्हें लड़का बोला बिलखाए। बाबू संग में मामा रहले सब हकीकत दिया बताई राम मारे का जनवा। बाबू जी बांधे बाधनवा मारे का जनवा। बाबू जी बांधे बाधनवा मारे का जनवा। लड़का बोला तो हमारे मामा हमारे बाबू हमके बांधे रहे मारे बजे। मुसाफिर बोला तो तुम्हार मामा बाबू गए किधर। कहीं जब मामा गए तब तो देखे बाबू जी आए लगे तो मुँह कपड़ा भर दी आँखी पर्दा पड़ गया। कहीं मामा कौन ही और गए कहीं मामा सीधा दक्षिण का गए ने। इतना सुनते हुए आदमी गुहार लगाई देता। जब गुहार लगाई देते बाबू जी तो नगर निवासी सब दौड़ पड़े मारे गुहार कस लाग गए। हल्ला सुन के नगर निवासी जुटे इकट्ठा आई हरे कदम बढ़ाई चले आगे। नजर तब आई लागल सापे कैया सनवा मारे का जनवा। लागल सापे कैया सनवा मारे का जनवा। मारे का जनवा हरे मारे का जनवा राम मारे का जनवा। हे हे कैया सनवा मारे का जनवा। लागल सापे कैया सनवा मारे का जनवा। बाबा लहास पे शर्म गलासा पे शर्म। आदमी जब पहुँचत हैं बाबूजी तब तलक सांप नहीं हटे जब तलक वहाँ कोई पहुँच नहीं गया। जब गांव के नगर निवासी सब पहुँचत हैं तो सांप वहाँ से गुप्त। अरे ओकरे पहले भैया गुप्त बड़े भैया हर गांव में पहले मुखिया रहते हैं। मुखिया अगर मुकदमा फैसला कर दिया तो सरकार मान जाते रहे। अब तो प्रधान कीमत को नहीं रखे चाहत, जबकि प्रधान के मौके पर उतना औकात जितना तहसील भर के माने SDM का औकात रहा थे उतना अपने ग्राम समाज में प्रधान का औकात बने थे। लेकिन प्रधाने की कीमत कहा प्रधान बहन का DM भाई हैं। कहना बा मास्टर कैसे बा। मुखिया जी बचवा के बलाई के पूछे लगे बेटा कि का बात है। 7 साल के बच्चा बाबू जी दिखे मुखिया जी से रोए रोए के कहा बा कि मैं भा महतारी का हकीकत
उसने दिया सुनाए। सुने बात लड़का के सबही, अरे गई समझ में आई, गई न थाने के दर में नवा मारई के जनावा, थाने के दर में नवा मारई के जनावा, थाने के दर में नवा मारई के जनावा, मारई के जनावा हे मारई के जनावा, राम मारई के जनावा, थाने के दर में नवा मारई के जनावा, थाने के दर में नवा मारई के जनावा। के थाने में जब रिपोर्ट लिखावे गए तो दरोगा जी बचवा के देख बड़ा खुश हो गए, कितना खूबसूरत बच्चे के साथ इतनी बड़ी अन्याय। सभी लोग से बोले कि आप लोग वहाँ चलें, हम बचवा के लेके तनी घर जाइए। और वहाँ सब तेली महतारी मछिया पर बैठ के तेल मसलत हैं कि वो का तो माँ डरिए जो चार छठ हमारे पैदा हुई हैं, इतना ये लोग बात सब बाँट के ले हैं। अब तब कहीं बचवा के लिए आई कि दरोगा साहब जो दुआरे पहुँचत हैं, आज जब खेखारे तो पीछे ताकत है तो सन्नाटा। पाए खबर दरोगा ने उस बच्चे के घरे आए, अरे चांदालिन को बांध पियलमा डंडा खूब बरसाए, हथकड़ी लागी ले गए थनमा मारे का जाना, हथकड़ी लागी ले गए थनमा मारे का जाना, आंखों तो नहीं देख रहे लेकिन परमार सुने रहे कि दरोगा साहब ने बोले कैसे अन्याय के साथ इतना एक पिटाई की जाए कि ताकि एक दिमाग सही हो जाए। लेकिन संयोग से बाबूजी मारे से पहले ओकरे हार्ट अटैक हो गए, अपने आप खुद चल बसी। दरोगा साहब कहे कि नौकरी आज चली जाए कल चली जाए कोई गम नहीं, लेकिन ऐसे ही अन्याय के साथ ऐसे ही होना चाहिए। बचवा से बोलते हैं दरोगा साहब बेटा क्या होना चाहिए। 7 साल के बच्चा बोले सरकार 6 महीना पहले माँ मर गई, आज बाप खत्म हो, खत्म हमें करे चाहे लेकिन खत्म अपने आप को हो गए। अगर आप लकड़ी मंगा देते तो मैं अपने हाथ से पिताजी का दाह संस्कार कर देता। देखिए बाबूजी दाह संस्कार करवाए बच्चे से, उसके बाद बचवा के ले जाके जलालपुर बाजार में जब पहुँचे तो नगरवासी से बोले कि इस बच्चे को आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं देख सकते हो तो मुझे दे देना। लेकिन 7 साल के मासूम बच्चा कहा सरकार जिस माँ के बद्री से पैदा हुआ वो थी, लेकिन जो माँ मुझे दिया वो माँ मेरे सामने, मैं माँ की पूजा करूँगा और मुझे दुनिया में कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज परमार बताते बाबूजी कि बेटवा माँ के भक्त जरूर हैं लेकिन बेटवा पतोह वाला हैं। दुर्गा प्रसाद जी के नाम यादव हैं। कहानी का आखिरी बोल की करनी का फल होता कैसा है कि गणेश गीता सेवक कहें सुरपुर का गई तकाई, श्याम देव ललिता से कहते अरे करनी के फल गए पाई हो, देना कैसे मारे पपिया, रमन कहें देश दुनिया से छूड़ झमेला, गदेला कैसे मारे पपिया, दुनिया से छूट झमेला, गदेला कैसे मारे भक्तन के हितकारी है मुरारी रखल जी हमारा।